25 मार्च से भूख से बेहाल लोगों को सभी वैद्यकीय निर्देशों का पालन करते हुए राशन किट का वितरण किया जा रहा है। इन राशन किट में एक परिवार के लिए एक माह की भोजन सामग्रियां है। पुलिस परमिशन प्राप्त कर मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर, मेडिकल गाइडेंस सेंटर नागपुर और जमाते इस्लामी हिंद नागपुर की टीम भूख से परेशान लोगों की मौजूदा परेशानियों को दूर करने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में इस तरह के राहत के कार्यों में जुटी है। डॉक्टर नईम नियाजी ने बताया कि गिट्टी खदान सदर मानकापुर और पाचपौली पुलिस स्टेशन के महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को 150 दस्ताने और मास्क वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि आज हमारे देशवासियों का हाल ऐसा हो गया कि भूख के मारे समय काटने पर मजबूर हो गए। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदर्भ से कहा कि जो व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करता, अल्लाह भी उस पर दया नहीं करेगा। ऐसी संकट और फैलने वाली संक्रामक बीमारी के बीच जनसेवा कार्यों में हमारे अंदर दया की भावना आना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक और गरीब मजदूर भूख से तड़प रहे हैं। उन्हें अपने घर जाने को नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें अपनी मजदूरी मिल पा रही है और ना ही उनके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था है। पिछले इन दिनों से हमारे संगठन ने इन छपरा सिवनी जाने वाले मजदूरों को भोजन सामग्रियों सहित युक्त कीटों की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। ये मजदूर इंदौरा चौक के इंदौरा बाराखोली में रुके हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल के पास जड़ी बूटी बेचने वालों का परिवार भी इस समय समस्या की चपेट में है। तीन परिवार में ये लोग जर्जर टेंट में 3 दिनों से भूखे रह रहे थे। इसके अलावा नागपुर उत्तर क्षेत्र की झोपड़पट्टी में बहुत से परिवारों को एक माह की राशन किटें वितरित की गई है। नागपुर शहर में यह कार्य जाफरनगर, टेकानाका, टेका आदि बस्तियों में जारी है। इन राहत कार्यो में डॉक्टर जुबेर शेख, डॉक्टर शगुफ्ता शेख, डॉक्टर सरफराज अहमद, डॉक्टर रियाज आमिर, शफीक अहमद, काजी फैसल मलिक, अब्दुल सईद, मोइन खान, शाहरुख अंसारी, अकील अहमद, मोइन सिद्दीकी आदि रात दिन सेवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज।